भारतीय रेलवे ने बीते रविवार को ये ऐलान किया था कि मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में अतिरिक्त एसी कोच लगाने पर विचार किया जा रहा है। इस घोषणा के बाद ऐसी अटकलें लगनी शुरू हो गईं कि इन ट्रेनों से स्लीपर कोच हटा दिए जाएंगे। सोशल मीडिया पर लोगों ने इसे लेकर रेलवे की काफी आलोचना की, लेकिन शुक्रवार को रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने इन अटकलों पर विराम लगाते हुए कहा कि ट्रेनों में स्लीपर क्लास जारी रहेगा। हम ट्रेनों की गति बढ़ा रहे हैं और रेलवे का प्रयास ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एसी ट्रेवल अफोर्ड कर सकें। इसके लिए एक रेलवे ने नया कोच, उसका प्रोटोटाइप डेवलप किया है, जिसका जो यात्रा किराया होगा वो एसी थ्री टायर से भी कम होगा। जहाँ तक ऑर्डिनरी स्लीपर क्लास की बात है, वो वैसे ही चलते रहेंगे, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। सर, इसमें कुछ सेक्शन ऐसे हैं जहाँ पर, या कुछ ट्रेनों को आइडेंटिफाई किया गया जहाँ पर भी जो इसी कोचेज हैं वो लगाए जाएंगे? जब ट्रेनों की गति बढ़ती है और 130 किलोमीटर या 160 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पर ट्रेनें चलती हैं, तो उस समय थोड़ी सी स्लीपर क्लास में विंड और डस्ट का इशू आता है। 130 किलोमीटर तक स्लीपर क्लास चलाने में कोई दिक्कत नहीं है और हर सेक्शन में ये हमारी पूरी कोशिश होगी कि जो स्लीपर क्लास के कोचेज हैं वो कम ना किए जाएं, और जो भी कोई एडिशनल ट्रेन चलाते हैं, जिस तरह से नेटवर्क कैपेसिटी हम एक्सपेंड कर रहे हैं, तो उसमें अगर कोई एसी थ्री टायर का इस तरह का कोच लगाएं जिसमें कि लोग उसमें अफोर्ड कर पाएं, वो रेलवे का एक प्रयास है। सर,